ये नहीं था, हम इस पर सेट करेंगे 342, लिखनी है आपने 340 है लेकिन हम इस पर 342 करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इसकी जारपेंस डायरेक्ट जीरो करेंगे। वैसे आम प्रैक्टिकल में हमने ब्लैंक केविट्स रख के फिर उसको जीरो किया था, लेकिन हमने यहाँ पे इसकी डायरेक्ट जीरो करेंगे। 400 से कम जितनी भी हम उसकी वैल्यू डायरेक्ट जीरो करेंगे, ठीक है। ये जीरो यहाँ से वेवलेंथ सेट होगी, ये जीरो जारपेंस का बटन है, यहाँ से हम इसकी डायरेक्ट जीरो करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वर्किंग रिएजेंट है R1 एंड R2। यहाँ पे वर्किंग प्रिपरेशन में आप लोगों ने लिखा हुआ है 4 वॉल्यूम ऑफ R1 एंड 1 वॉल्यूम ऑफ R2, ठीक हो गया। 4 वॉल्यूम हम लेंगे 800 माइक्रोलीटर और 1 वॉल्यूम हम लेंगे 200 माइक्रोलीटर। उसको हम मिक्स करेंगे, उसके अंदर हम 100 माइक्रोलीटर सीरम डालेंगे। सीरम डालने के बाद हमारे पास वेव लेंथ भी सेट है, हमने उसकी ब्जार्पेंस भी जीरो की है, उसकी हम रीडिंग ले लेंगे, ठीक है। वो रीडिंग हमारी 0 मिनट पे A1 होगी। जो भी रीडिंग आई हमने उसको नोट कर लेने हैं, उसी सैंपल को कीवर्ड्स को हमने बाहर निकालने हैं। 1 मिनट का टाइम हमारे स्टाफ वॉच पे सेट होगा, 1 मिनट जैसे ही गुजरेगा हमने उसकी दोबारा रीडिंग लेनी है, वो रीडिंग हमारे पास A2 होगी। फिर इसी तरह उसी को दोबारा निकालने हैं बाहर, 1 मिनट के लिए रखना है, उसकी रीडिंग ले लेनी है, A3 होगी। फिर 1 मिनट के लिए बाहर निकालने हैं, उसी की रीडिंग लेनी है, वो A4 होगी। उसको आपने कैलकुलेट करना है, A1 - A2 - A3 - A4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई जो भी फैक्टर है 1750, ठीक है। उसकी आपकी कैलकुलेशन आ जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ ALT। वो आपने सारा मुकम्मल लिखा हुआ है, वो उससे आप कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने सिर्फ फार्मूला जो लिखना है, डेल्टा ए पर मिनट इज इक्वल टू आपका A1 - A2 - A3 - A4 डिवाइडेड बाई 2, ये होगा। लेकिन कुछ प्रैक्टिकल्स ऐसे होंगे जिसमें ये चेंज होगा, मतलब अगर A1 - A2 है तो ये A2 - A1 हो जाएगा और A4 - A3। अगर ये इसकी वैल्यू इंक्रीज की, तो अगर डिक्रीज की तो फिर वो A1 - A2 - A3 - A4 लगेगा, ठीक है। अब आपका रेपर फॉर्म 800 पे सेट है, आप R1 ले लें। पहले प्रेस करें, नहीं हल्का प्रेस करें, प्रेस करके रखना है, छोड़ना नहीं है। 1 मिनट दोबारा करें, छोड़े नहीं ना, बस ठीक है। यहाँ तक इसको हम लाइट प्रेस कहेंगे या सिंगल प्रेस कहेंगे, ठीक है। ठीक है, अंदर डिप कर, नहीं वापस डालें इसमें, छोड़ दें, मैं आपको बताता हूँ। ये आपने प्रेस करके रखने हैं, इसके अंदर डिप करने और आराम से इसको छोड़ देने, ठीक हो गया। अभी मैं इसकी वैल्यू ले लेता हूँ, R2 आप ले लें, ठीक है। ये आपने इसे तेज़ी तेज़ी से नहीं करना, इसमें एयर भी आ गई तो आपका वो सैंपल गलत हो जाएगा। ये इसको सेट करें पहले 200 पे, ये थोड़ा इधर रखे, बस एक राम राम से, कोई इतनी जल्दी नहीं। टिप लगाएं, येलो ब्लू टिप लगाएं, जी हाँ, प्रेस करके रखना। 1 मिनट, ये इसको नीचे रखें, पेपर सही पकने पहले, यस पहले प्रेस करें, ठीक है। आप इसके अंदर डिप करें आराम से और वैसे आराम से आप इसको छोड़ें, ठीक है। अब ये उसी कीवर्ड के अंदर डालें जिसमें आपने डाला, ठीक हो गया। R2 हो गया, ये अब आपका टोटल वॉल्यूम कितना हो गया, बस ठीक है, छोड़ दें, छोड़ दें, ठीक है। अब उसमें हम सीरम लेंगे, कितना लेंगे, 100 सेट करें, हाँ जी 100 सेट करें इसके, ठीक है। पेपर सही पकड़ें, सीरम लें। अच्छा, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए, अभी स्टूडेंट्स को मैंने ये ऑस्पी करा रहा हूँ फर्स्ट ईयर का, उनको ये भी नहीं पता कि सीरम कौन से है, स्टैंडर्ड कौन से और रिएजेंट्स कौन से हैं हमारे पास। ये आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास, ठीक है, उसी में डाल दो, ठीक है। अब हमारे पास वेवलेंथ भी सेट है, इसकी ब्जार्नेस भी हमने जीरो कर दी है, ठीक है। अभी हम इसकी वैल्यू लेंगे A1, एरो का निशान सामने रख, ठीक है, बंद कर इसको, स्टोव वॉर्निश वो निकालने के बाद आऊँगा।
पहली रीडिंग तो ऑलरेडी हम 0 मिनट पे कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 1.017 निकाल लें इसको। अब स्टॉप वॉच हमारे पास पड़ी है, एक मिनट इसके ऊपर सेट है, हम इसको खाली स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा सर, ये हर दफ़ा जो वैल्यू पहले हम परफॉर्म कर चुके हैं जब हमने 0 मतलब टाइम पे रखा था, हमारी वैल्यू चेंज आई, आपने उसको नोट करना है। क्यों इसमें अगर आपका जो रिएजेंट है ये आपने फ़ौरन फ्रिज से निकाल के बाहर रखा है, उस सूरत में आपने सैंपल डाल के इसको इंक्यूबेट नहीं करना, सिर्फ रिएजेंट को एक मिनट के लिए आपने इंक्यूबेट कर दिया ताकि उसका टेम्परेचर 37 तक आ जाए, क्योंकि जब हम फ्रिज में से क्या रीडिंग आएगी 1.015। अब देखें अब इनकी आएगी पहले आपकी 1.017, ये आपकी रीडिंग आ गया 1.005। और सैंपल डाले बगैर हमने उसको पहले इंक्यूबेट कर दिया, क्योंकि आपने सैंपल डाल दिया आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया, लेकिन जब आप अगर एक मिनट उसके बाद आप एक मिनट के लिए रखेंगी तो आपकी वैल्यू बिल्कुल एरर आ जाएगा, उसमें चेंज हो जाएगी, ठीक है ना। इसलिए अगर आपने इंक्यूबेट करने तो फिर एक मिनट के लिए हम करेंगे वाटर बाथ, वो भी उस सूरत में कि अगर हमने फ्रिज से फौरन निकाले। इसलिए मैंने इसको पहले ही निकाल के रख दिया था ताकि ये खुद ही रूम टेम्परेचर में आ जाए। अभी ये 3 आ गई है आपके पास, इसको हम नोट करेंगे, सब्सक्राइब कर लें। 1.015 निकाल लें इसको, कोई बात नहीं, आप वो रीडिंग वो रिएक्शन चाह रहे हैं उसकी रीडिंग आप इस तरह होती रही, उसको आप छोड़ दें। ठीक है, आगे 1.015 आई थी, 1.10 निकाल दें। बस इजाज़त है। अब इसमें कोई चीज़ आपने पूछनी है तो अभी पूछ लें। सर वो मैं पता कैसे चलेगा R1 ये इसके ऊपर लिखा हुआ है, लिखा हुआ है R1, ये भी लिखा हुआ है इसके ऊपर और ये भी लिखा हुआ है R2। ठीक है, एक मिनट। सर एक और बात पूछनी थी, अब ये जो हमारा ये आ गया, अब आप लोग जो वैल्यू आएगी वो बस इधर फिट कर